असलकम मैं सुलेखा अरफाज सुखा किचन से चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी जिसका नाम है मुर्ग मसाला बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है जरूर बनाइएगा चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम साधारण यानी ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश बनाते हैं आज की चलिए की चिकन है चर्बी निकाली हुई है धोई है मैंने दो तीन पानी से और निकालने के लिए दस मिनट साइड पर रख दिया था अब उसे छान कर मैंने यहाँ प्याले में डाल दिया है इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार दो छोटे चेहरे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं आधा छोटे चेका चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटे चेका चम्मच काली मिर्चों का पाउडर एक छोटे चेका चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर तीन टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दीजिए आधा कप दही गाढ़ी डाल दीजिए एक टेबलस्पून या थ्री फोर टेबलस्पून स्पून नींबू का रस डालकर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए आपके पास जितना समय उतने समय के लिए रखिए मैं एक घंटे के लिए रख रही हूँ साइड पर मैंने फ्रिज में रख दिया है ये तकरीबन डेढ़ सौ से दो सौ ग्राम जितनी प्याज थी उसको मैंने बिरस्ता किया फ्रेशली और नितार कर निकाल लिया और जब हल्की ठंडी हो गई ना तो यहाँ पर मैं मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे बिना पानी डाले पीस लेती हूँ ऐसे ये देखिए और इसे साइड पर रख दीजिए अब यहाँ पर आ, मैंने तकरीबन तीस काजू लिए एक हरी मिर्ची ली और थोड़ा सा दूध डालकर इसे भी पीस कर साइड पर रख दीजिए अब आप चाहें तो जिस कढ़ाई में बघारना चाहते हैं उसी कढ़ाई को ले लीजिए मैं फ्राई पैन ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करनी है मेरी ये जो चिकन है तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया एक दो तो टेबल स्पून जितना मक्खन डाल दीजिए ये मक्खन आप स्किप कर सकते हैं अच्छा अब जब अच्छा गर्म हो जाए फास्ट आंच पर अच्छा तेल गरम हो फ्राई पैन भी गरम हो जाए तो यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके साइड पर रखी है इसे एक घंटा हो गया तो अब क्या कीजिए सिर्फ पीसेस पीसेस लीजिए और वो डालते जाइए मसाला मत डालिएगा सिर्फ जो पीसेस है वो उठाकर डाल दीजिए अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ सारी चिकन एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो फ्राई पैन आप देख सकते हैं बड़ा है इसके लिए सारी आ, समा जाएगी बट अगर आपके फ्राई पैन में या कढ़ाई के अंदर जगह ना हो तो आप बैचेस में फ्राई कीजिएगा और एक के ऊपर एक मत रखिएगा साइड पर एक के साइड पर दूसरा ऐसा रखिएगा तो चलिए तकरीबन इसे डालने के बाद समझिए ना दो तीन मिनट तक फास्ट आँच पर फ्राई होने दीजिए बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा दो से तीन मिनट हो जाए तो चिकन को पलट दीजिए और उलट पलट करते हुए दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स दिला दीजिए नहीं हमें पूरी तरीके से पकाना नहीं है हम तो चिकन को उसी में ही पकाएंगे ग्रेवी के अंदर बस यहाँ हमें दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स दिला देने हैं चूल्हे को बिल्कुल भी स्लो मत कीजिएगा चूल्हा फास्ट पर ही रखिएगा नहीं तो पानी छूट जाएगा और फिर ग्रिलिंग स्पॉट्स नहीं आ पाएंगे तो इसके लिए आप चूल्हा फास्ट पर ही रखिएगा और हमारी चिकन को दोनों ओर से उलट पलट करते हुए बार बार दोनों ओर से उलट पलट करते जाए और डार्क स्पॉट्स दिला दें ऐसे तकरीबन समझिए ना आ, कितने मिनट लगेंगे मालूम है आठ से नौ मिनट लगेंगे बाय दैट टाइम ना हमारी चिकन पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन फिफ्टी टू सिक्सटी तक गल जाएगी और बाकी का हम हमारे ग्रेवी के अंदर गला लेंगे चलिए आठ नौ मिनट हो चुकी है और प्रॉपरली ग्रिल हो चुकी है तो मैं उसे साइड पर रख देती हूँ आप चाहे तो प्लेट में निकाल लें और मैं एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल रही हूँ चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए एक डंडी दालचीनी की एक तेज पत्ता और दो टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए तीन हरी इलायची डाल दीजिए और तेल के अंदर ये सारे गरम मसाले तड़तड़ा जाने दीजिए जब तड़तड़ा जाए तो डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डालकर इसे बहुत अच्छे से बार बार चलाते हुए भून लीजिए तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए जब अगर अदरक लहसुन भून जाए तो यहाँ पर जो हमने प्याज को पीस के रखा है जो हमारे बिरिस्ते वाली प्याज है वो डाल दीजिए लीजिए सारी और मैं चूल्हा पहले तो स्लो आंच कर देती हूँ और इसे एक बार चला लीजिए मैं थोड़ा सा पानी का छीटा मार रही हूँ सो दैट बहुत ज़्यादा जल ना जाए ना तो थोड़ा सा पानी का छीटा डाल देती हूँ और इसे बार बार चलाते हुए इसे भी आधे एक मिनट तक भून लीजिए चूल्हा स्लो पर है अब डाल दीजिए जब भून जाए तो मैं यहाँ डाल रही हूँ ढाई से पौने तीन छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डेढ़ छोटा का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर एक छोटा का चम्मच गरम मसाला पाउडर ये सारी चीजें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए चूल्हा मीडियम आज कर कर इसे तकरीबन एक से दो मिनट तक पकने दीजिए तब तक पकाइए जब तक ये मसाला थोड़ा भून नहीं जाता और तेल नहीं छूट जाता एक दो मिनट ही पकाना है जब एक दो मिनट हो जाए तो जो मैरिनेशन वाला हमारे पास रखा हुआ था ना मैरिनेट ये डाल दीजिए जिसमें आपने मैरिनेट करके रखा था चिकन को वो तो सारा हमने डाला नहीं था वो डालकर इसे भी बार बार चलाते हुए चूल्हा मीडियम ही रखिए और इसे भी एक दो मिनट तक भून लीजिए या तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता जब अच्छे से तेल छूटने लगे और एक दो मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप फिटी हुई दही वो भी डालते हुए चलाते रहें बार बार और उसे भी भून लीजिए चूल्हा मीडियम पर ही रखिए और इसे भी एक से दो मिनट तक आपने भूनना है बार बार चलाते रहिएगा हाँ जब दही भी डालकर एक से दो मिनट तक आप भून लें उसके बाद चिकन डाल दीजिए जो हमारी साइड पर रखी हुई है एक एक करके बसमिन बोल कर सारी डाल दीजिए एक एक करके और इसे भी चलाते हुए एक से दो मिनट तक भून लीजिए मसाले में वो भी एक से दो मिनट ही भूनना है और चूल्हा मीडियम पर ही रहने दीजिए बिल्कुल भी चूल्हे को टच मत कीजिए और जो भी तेल वेल लगा हो आपका फ्राई पैन के अंदर वो भी सारा इसमें डाल दीजिए जब आप बार बार चलाते हुए एक से दो मिनट तक चिकन को भूनेंगे ना तो आप देखेंगे तेल छूटने लगा है तो मतलब अच्छा खासा भून चुका है जब अच्छा भून जाए और तेल छूटने लगे ना तो यहाँ पर जो हमने साइड पर रखे थे पीसकर काजू का पेस्ट सबसे पहले वो इसमें डाल दीजिए इसमें नख मेरी बोलकर और सारी अच्छे से पूरा लीजिएगा कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो तो हमारी ये जो ढक्कन में से भी मैं ले लेती हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे भी मिक्स करते हुए तकरीबन एक से दो मिनट तक मीडियम आंच पर भून लीजिए जब एक से दो मिनट हो जाए तेल छूटने लगे ना तब मैं क्या कर रही हूँ एक कप पानी ना मिक्सर जार जो था ना जिसमें मैंने काजू पीसा था उसमें डालकर चलाकर इसमें डाल रही हूँ अब आप चाहे तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं आप चाहे तो पानी कम भी डाल सकते हैं आप चाहे तो पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं मैंने एक कप ये पानी डाला और मैं अब आधा कप ना जिस मिक्सर जार के अंदर मैंने प्याज को पीसा था ना बेरिश्ते को मैं उसमें आधा कप डाल रही हूँ और उसमें छलाकर इसमें डाल रही हूँ तो मैंने सवा से डेढ़ कप जितना पानी डाला है आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं आपको कितनी ग्रेवी चाहिए क्योंकि अभी हमारा ये जो चिकन है वो गलेगा भी तो ना तो अब सबसे पहले इसमें उबाल आ जाने दीजिए बाय द टाइम हमने नमक भी प्रॉपरली डाला नहीं है तो आप थोड़ा नमक एडजस्ट कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए दो से तीन टेबल स्पून मलाई मेरी ये बाहर की मलाई आप चाहें तो आपकी जो घर की मलाई होती है हो ऊपर की वो फ्रेशली ले लीजिए थोड़ा सा उसे पीस लीजिएगा पानी आई I मीन mean, दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा अच्छा पीस लें तो वो डाल दीजिएगा मैंने पहले दो डाली और फिर एक डाली तो मैंने टोटल तीन टेबल स्पून डाली अब जब अच्छा उबाल आ जाए मिक्स कर लीजिए और चूल्हा स्लो आज करके ढाक कर तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट पकने दीजिए चलिए 20 मिनट हो चुके हैं मैंने चूल्हा एज इट इज़ कर दिया है बंद और ये आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है चिकन पूरी तरीके से गल चुकी है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वाटी रख देती हूँ बीच के अंदर और साइड पर मैंने कुछ देर पहले कोयला जलाने रख दिया था तो गर्म हो गया है गर्म कोयला रख दीजिए थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और उसे क्विकली ढाक कर उसके ऊपर थोड़ा वजन चाहे तो रख दे और दो पाँच मिनट ऐसे ही रहने दे दो पाँच मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल हटा दीजिए हमारे ढक्कन को और ये जो आपने डाला है इसको प्याली को हटा दीजिए और कोयले को फेंक दीजिएगा और ये बन गया हमारा जबरदस्त मजेदार सा मुर्ग मसाला आप चाहें तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर इसी समय डाल दें और थोड़े से बारीक कटी हुई हरी मिर्च अब मैं थोड़ी साइड पर रख देती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से डालूंगी थोड़ी देर के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ तो थोड़ा पहले गर्म कर रही हूँ और इसे प्याले में निकाल लेती हूँ अब आप चाहें तो रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं इनमें से कुछ की रेसिपी ले डिस्क्रिप्शन के अंदर है जब प्याले में निकाल लें तो उस पर भी थोड़ी सी हरी मिर्चियां बारीक कटी हुई और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और फिर सर्व करें अच्छा हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा मैंने नॉन स्पाइसी वाली डाली है आपकी ज्यादा स्पाइसी हो लाल मिर्ची का पाउडर तो कम